जय साईराम फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है। आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ फूड पर। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। और मैं श्वेता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी वीडियोस, आप मुझे प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू। हरा भरा कबाब बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने पालक है जो मैंने अच्छे से वॉश करके ले ली है, चने की दाल है, मटर है, ये मैदा है कोटिंग के लिए, ये पनीर, नमक मिर्च और बाकी हम अब स्टार्ट करते हैं। ओके, ये बाउल लिया हमने। अब ये पालक, पहले हम चने की दाल को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये चने की दाल है जिसे मैंने बॉईल करके रखी है, अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ओके, ये हम चने की दाल है जिसे हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है, एक दो सीटी लगवा के। अब इसी के अंदर हम हरी मिर्ची डालेंगे। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक काट लेना है, फिर इस चने की दाल में ही हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसको ही डाल देंगे। अब हमने ये दाल को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है जो आपके सामने है, बिल्कुल मैश हो गई है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने उबले हुए मटर लिए थे जिन्हें हम मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने मटर अच्छे से ब्लेंड कर लिए हैं जो बॉईल किए हुए थे। अब मैं डालूंगी पालक, जो हमारी पालक है, मिक्सी के जार में डाल देते हैं। जो हरा भरा कबाब है वो ग्रीन वेजिटेबल्स, आप बीन्स भी डाल सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स से ही बनता है। पालक है जिसे हमने अच्छे से पीस ली थी। अब हम डालेंगे इसमें मैदा। ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, ये कोटिंग के लिए। इसके लिए थोड़ा सा मैदा, ये मैंने छोटा चम्मच लिया है, 3 चम्मच। अब हम इसमें ये पनीर है जिसे हम अच्छे से इसमें ग्राइंड कर लेंगे। पनीर का पीसेस को अच्छे से इसमें से कद्दूकस कर दीजिए। ये हमने पनीर के पीस। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं अपने, मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है और हाफ से भी कम लिया है 1 और चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाली हुई थी इसलिए मैं इसे कम यूज करूंगी, क्योंकि मैंने 1/2 चम्मच रेड मिर्ची ली है, नमक डाल दिया है, पनीर है, अपना चने की दाल है, मटर है और पालक है। अब मैं इसे क्या करूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है सबको। आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं चम्मच से, लेकिन मेरे को कंफर्टेबल होता है हाथ से, इसलिए मैं इसे हाथ से मैश कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अब ये तैयार हो गए हैं, ये तैयार हो गया है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ब्रेड के 2-4 पीस को घर पे ही मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ब्रेड क्रम्स से पहले ये कटलेट्स कबाब बनाने के लिए पहले ये 2 चम्मच मैदा लूँगी ताकि ये तेल में जाते ही फटे ना। इसे
इसे पानी के साथ थोड़ा थोड़ा घोल दूंगी। थोड़ा घोल बनाना है इसका। हम ऐसे घोल बनाएंगे। थोड़ा पतला लेना पड़ता है ताकि ये डिप हो जाए। इसमें कुछ नमक ना मिर्ची कुछ नहीं डालूंगी मैं। ये अच्छे से मैंने घोल बना लिया है। अब इसको साइड रख देंगे। हुआ है गरम होने के लिए। ये ऑयल मैंने रख दिया है लो फ्लेम पे गरम होने के लिए। बस ऑलमोस्ट गरम हो ही चुका है ये। अब आप इसकी हीट देख के इसमें तब स्टार्ट करिएगा कबाब डालने। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हाथ पे ऑयल ले लेंगे ताकि ये चिपके ना। अब इसकी सहायता से मैं चम्मच के इसको ऐसे बाउल बनाऊंगी। अब मैंने क्या करना है, इसे मैदे के अंदर कोट करना है अच्छे से। अब ये मैदे के अंदर कोट हो गया है। अब इसे जो मैदे का पानी है हमने घोल बनाया था उसमें कोटिंग करनी है इसकी, और इसको अच्छे से ऐसी शेप दे देनी है। ठीक है, अब ये जो ब्रेड क्रम्स है अब हम इसमें डाल देंगे अपना कबाब। ये मैंने ब्रेड क्रम्स में डाल के इसको, अब मैं इसलिए इसे कर रही हूँ ताकि इसको मैं तेल में डालूँ तो छींटे हमारे ऊपर ना आए। इसको धीरे से इसमें छोड़ दें। ऐसे हम दूसरा बना लेंगे, तब तक ये फ्राई होगा। ये मैंने दूसरा भी उसी तरह तैयार कर लिया है, और इसको भी हम धीरे से अपने ऑयल में छोड़ देंगे और इसे लो फ्लेम में रखें ताकि ये डीपली अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए, आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। जब तक ये फ्लेम लो फ्लेम में होगा तब तक हम और रेडी कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स में डिप, क्या कह रहे हो यार, शैलो फ्राई में थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तब तक ये रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। जी, मेरे कबाब रेडी हो रहे हैं। मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि इसके अंदर के पालक मटर दाल भी अच्छे से फ्राइड हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर अमेजिंग। देखिए, या बच्चों को टिफिन में भी डाल के दे सकते हैं। खैर, अभी तो स्कूल खुल नहीं रहे, कोरोना इतना बढ़ गया है। घर पे रहिए, सेफ रहिए और फूड एंजॉय करते रहिए। और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स करना प्लीज़ ना भूलिएगा। तो धीरे धीरे फ्राई हो रहा है, तो बिल्कुल स्लोली से अभी पक रहा है। आई थिंक अभी गीला सा है। ये है अपने हरे भरे कबाब। आप इसकी क्रंचीनेस की आवाज़ साउंड सुन सकते हैं। बहुत अच्छा और क्रिस्पी बने हैं। ये मेरे रेडी हो चुके हैं हरे भरे कबाब। अब आप देख सकते हैं कितने देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। एंड इसकी क्रंचीज दिखाते हैं आपको। देखिए, अंदर से देखिए फिलिंग, पूरी फिलिंग आ रखी है। मटर, पनीर, दाल, सबकी फिलिंग आ रखी है अंदर से। अब आप इसे खाइए, इंजॉय करिए और घर पर सेफ रहिए। ये इसे ट्राई करिए और बनाइए और इंजॉय करिए हरे भरे कबाब। सो सेफ रहिए, घर में रहिए। थैंक यू। जय साईं राम।